नमस्कार दोस्तों, BPNL ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरजीत सिंह, हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे नवजात बच्चों की जन्म से पहले और जन्म के पश्चात उनकी देखभाल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो गर्भित पशु है उसकी कैसे देखभाल की जाती है, तो आज हम नए टॉपिक के साथ है कि नए जो नवजात बच्चे हैं उनकी जन्म से पहले और बाद में कैसे देखभाल की जाती है। तो इसमें बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं तो नवजात बच्चे की जन्म से पहले देखभाल। नवजात बच्चे की जन्म से पहले देखभाल, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा या जो गाय या भैंस का कोई बच्चा या बछड़ी है, तो क्या होता है उसकी जो देखभाल है वो जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है, कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी देखभाल शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ में ही उसकी देखभाल शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इससे जो हम पशु को देते हैं, जो पशु को संतुलित आहार दे टाइम पे उसको अच्छा खिलाए, तो जो बच्चा जन्म लेता है पशु के बाद में जो बच्चा जन्म लेता है वो अगर हमने अच्छा नहीं खिलाया पशु को तो उसे विकृत बीमारियां हो सकती है, कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छा खिलाया जाए, माँ को अगर अच्छा खिलाया जाए जन्म प्रसव से पहले, तो बच्चा कैसा होगा, तंदुरुस्त होगा, अच्छा होगा। और इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो माँ की जो गर्भ की जो देखभाल है, कि बच्चे की देखभाल माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद में आता है कि जो गर्भ काल है, जिसकी मादा का गर्भकाल जो पूरा होता है उससे तीन महीने पहले उसको अच्छा संतुलित आहार खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है कि उसको संतुलित आहार में 1.5 kg, यानी कितना, 1.5 kg दाना, 1.5 kg दाना, 1.5 kg दाना खिलाया जाता है। और हरा चारा कितना खिलाया जाता है, 50 हरा चारा खिलाया जाता है, वो साथ में 50 ग्राम कितना, 50 ग्राम क्या होता है, मिनरल मिक्सर। कितना, 1.5 kg दाना, 50 ग्राम मिनरल मिक्सर, 30 ग्राम नमक ये खिलाया जाता है पशु को। कब, उसके परसों से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले किसके लिए, क्योंकि जरूरी होता है कि मादा का होता है, मादा के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। किसने कहा था कि रंजन और वैज्ञानिक था मोरिसिस, उसने उन्होंने ये कहा था कि जो मादा का शरीर है, वो 3 महीने में ही बढ़ता है, 3 महीने में जो लास्ट के तिमाही होता है, जिसे तिमाही में बोलते हैं, प्रसव से 3 महीने पहले, जहाँ आज प्रसव हो उससे 3 महीने पहले, उस टाइम पे ही मादा का शरीर बढ़ता है और बच्चे का विकास होता है। लेकिन वो कब होता है, जब हम उसको टाइम पे दाना खिलाए, मिनरल मिक्सर, नमक, हरा चारा ये टाइम पे खिलाए, तब बढ़ता है इसका मादा का शरीर, बच्चे का अच्छा विकास होता है। इसके बाद में आता है कि जो गर्भित पशु है, उसको उबड़ खाबड़ जगह ना ले जाए। क्यों, उससे क्या होता है, यूट्रेटाइन टॉर्शन, यानी गर्भाशय का अपनी स्थिति से घूम जाना क्या कहलाता है, यूट्रेटाइन टॉर्शन। यूट्रेटाइन टॉर्शन कहलाता है कि मादा के गर्भाशय का अपनी यथा स्थिति से घूम जाना, यूट्रेटाइन टॉर्शन कहलाता है। तो इससे बचाव के लिए क्या होता है कि जो गर्भित पशु है उसको उबड़ खाबड़ जगह ना ले जाए। और इसके बाद में इससे यूट्रेटाइन टॉर्शन के अलावा क्या हो सकता है, मम्मी भी फाइड
मम्मी फाइड का मतलब है कि बच्चे के जन्म से पहले यानी प्रसव से पहले मरे हुए बच्चे का जन्म लेना मम्मी फाइड कहलाता है कि जन्म से पहले यूटेराइन का मतलब यानी गर्भाशय का घूम जाना अपनी स्थिति से और मम्मी फाइड का मतलब है कि प्रसव से पहले यानी उसका गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बच्चे का गर्भ में मर जाना क्या कहलाता है मम्मी फाइड कहलाता है कि इस ये इसकी परिभाषा है कि प्रसव से पहले प्रसव से पहले या गर्भकाल के पूर्ण होने पर गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले से पहले मरे हुए बच्चे का होना क्या कहलाता है मम्मी भी फाइड कहलाता है क्या प्रसव से पहले या गर्भकाल के पूर्ण होने से पहले ही मरे हुए बच्चे का होना क्या कहलाता है मम्मी भी फाइड कहलाता है। इसके बाद में आता है कि जो गर्भित पशु है इसके बाद में आता है जो गर्भित गाय या भैंस है उसके गर्भकाल के अंतिम तिमाही में उसे झुंड से अलग ही कर देना चाहिए कि गायों का कोई झुंड है या भैंस का कि जिसमें हम खुला रखते हैं उस झुंड से क्या करना चाहिए जो गर्भित पशु है उसे अलग कर देना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि जो प्रसव है प्रसव कक्ष है यानी जो पशु गर्भित है उसे अलग कर देना चाहिए कितने दिन पहले 15 दिन पहले किसमें कार्विंग बॉक्स में कार्विंग बॉक्स क्या जहां प्रसव होना है उसे काम कर देते हैं 15 दिन पहले कार्विंग बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं किसको गर्भित पशु को कहां कार्विंग बॉक्स में अलग जगह शिफ्ट कर देते हैं कितने दिन पहले 15 दिन पहले। अब बात आती है हमने बात की नवजात बच्चे की जन्म से पहले की देखभाल अब बात करेंगे हम नवजात बच्चे के जन्म के बाद देखभाल नवजात बच्चे की जन्म के समय देखभाल तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं हम नवजात बच्चे के जन्म के समय देखभाल में हम देखेंगे कि प्रसव के दौरान की जो प्रसव होता है प्रसव की क्रिया में कोई व्यवधान ना करे कि जान कोशिश हो वहां तक बाहरी सहायता ना दे किसको जब गर्भ जो बच्चा गर्भ जो मादा गर्भित है और उसके अगर जन्म का समय है बच्चे को जन्माना है तो क्या करते हैं कि उसको बाहरी सहायता तब तक ना दे जब तक जरूरत ना हो। इसके बाद में आता है कि जो प्रसव कक्ष है वो शांत वातावरण में होना चाहिए किसमें शांत वातावरण में होना चाहिए जहां पशु का प्रसव कराना है वो। उसके बाद में आता है यदि प्रसव क्रिया 2 घंटे से ज्यादा हो गई हो अगर जो प्रसव की क्रिया की लास्ट स्टेज अब पशु ब्याने वाला है तब उसके कितना टाइम हो गया वो 2 घंटे हो गए हो उससे तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें चिंतित होना आवश्यक है क्यों क्या कारण होता है कि इसमें कारण होता है कि विशेष तौर से उन पशुओं में किन पशुओं में जिनमें डिफ्यूज टाइप की प्लेसेंटा पाई जाती है किसमें पाई जाती है घोड़े में पाई जाती है उनमें क्या होता है कि उनमें जो प्लेसेंटा है और जो बच्चे का जो जुड़ाव है किसका
जो प्लेसेंटा और बच्चे का जुड़ाव है किसमें, घोड़ी में, उनमें क्या होता है कि ज्यादा टाइम पर होने पर उनका जो जुड़ाव वो ढीला पड़ जाता है, उनका ढीला जो जुड़ाव है वो ढीला पड़ जाता है। इससे क्या होता है कि उसका जो रक्त संचरण, जो रक्त संचरण है जो इस मादा से मिलता है, मादा पशु से बच्चे को मिलता है, उसमें क्या होता है अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई में भी व्यवधान आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्यों, ज्यादा टाइम होने पर, दो घंटे से अधिक होने पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उसको जो रक्त की जरूरत है वो टाइम पर अच्छे से नहीं मिल पाएगा, दो घंटे से ज्यादा होने पर। इससे क्या होता है कि इस उस सिचुएशन में कि तब हमें उसकी बाहरी सहायता करनी चाहिए, बाहरी सहायता करनी चाहिए। तो मैं बात करूं अगर प्लेसेंटा की, कि प्लेसेंटा के दो भाग होते हैं, अपरादी कितने भाग, दो भाग, एक तो होता है हमने बात की थी मातृत्व अपरा, मातृत्व अपरा, एक होती है मातृत्व अपरा और दूसरी होती है बच्चे का अपरा। ये किसके भाग थे, प्लेसेंटा यानी अपराजेय के भाग थे दो, एक तो मातृत्व मां से जुड़ी हुई, मां से जुड़ी हुई, और दूसरी होती है बच्चे से जुड़ी हुई, ये दो भाग होते हैं। लेकिन मैं बात करूंगी जो अलग अलग पशु हैं, जो अलग अलग पशु हैं उनमें जेर है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं देखूं डिफ्यूज, डिफ्यूज प्लेसेंटा, डिफ्यूज ये किन पशुओं में पाई जाती है, हॉर्स और पिग में पाई जाती है, हॉर्स और पिग में, हॉर्स और पिग में। जो डिफ्यूज टाइप की जो प्लेसेंटा है वो किसमें, हॉर्स और पिग में पाई जाती है। दूसरी दूसरी होती है कोटिलिडिन, दूसरी होती है कोटिलिडिन। ये किस में पाए जाते हैं, जो रूमिनेंट पशु होते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं, कौन से पशु जुगाली करते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब पशु जुगाली करते हैं, उनमें कौन सी प्रकार की अपरा पाई जाती है, जेर पाई जाती है, कोटिलिडिन, कोटिलिडिन पाई जाती है। किन पशुओं में, केटल है, केटल, केटल है, सीप है, केटल है, सीप है, और गोट, इनमें कौन सी प्रकार की पाई जाती है, कोटिलिडिन प्रकार की जो जेर है वो पाई जाती है। फिर तीसरी प्रकार की आती है जोनेरी प्लेसेंटा, तीसरी आती है जोनेरी, तीसरी आती है जोनेरी। ये किन में पाई जाती है, डॉग केटल, इनमें पाई जाती है डॉग में पाई जाती है, केटल में पाई जाती है, केट में, सॉरी केट बिल्ली और जो कुत्ता होता है उसमें कौन सी पाई जाती है, जोनेरी प्लेसेंटा। डिफ्यूज पाई जाती है हॉर्स पिग में, और कोटिलिडिन पाई जाती है केटल, सीप, बोर्ड जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनमें, जोनेरी प्लेसेंटा पाई जाती है इसमें डॉग और केट में, कुत्ता और बिल्ली में। और चौथी आती है तो चौथी आती है, होती है डिस्कोइड, चौथी आती है डिस्कोइड, डिस्कोइड प्लेसेंटा। ये किसमें पाई जाती है, ये वुमन यानी जो लेडीज होती है उनमें पाई जाती है, और साथ ही किसमें, मंकी में, किनमें पाई जाती है, वुमन, मंकी, तो कितने प्रकार की होती है कि अपरा के दो भाग होते हैं, मातृत्व अपरा और बच्चे का अपरा। लेकिन इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके भाग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तो पहली आती है डिफ्यूज, डिफ्यूज
किन में पाई जाती है? हॉर्स और पिग, घोड़ा और सुअर में पाई जाती है। जो कोटिलेडन होती है वो रूमिनेंट पशुओं में यानी केतन में, शिप में, गोट में, जो पशु जुगाली करते हैं। जो तीसरी आती है जोनेरी प्लेसेंटा, ये किस में पाई जाती है? डॉग और कैट में, कुत्ते और बिल्ली में पाई जाती है। लास्ट वाली आती है चौथी डिस्कोइड, डिस्कोइड प्लेसेंटा, ये पाई जाती है ह्यूमंस यानी औरतों में, यानी जो इंसान होते हैं उनमें पाई जाती है, और मंकी जो बंदर होता है उसमें पाई जाती है। अब इसके बाद में आती है, फिर इसके बाद में आती है बच्चे का, हमने देखा कि जो प्लेसेंटा है उसका जुड़ाव कैसा होता है, उससे क्या मिलता है कि जो बच्चे की प्लेसेंटा से, माँ के प्लेसेंटा से बच्चे का जुड़ाव होता है, जिससे उसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, रक्त का आदान प्रदान होता है, किसके? प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसके बाद में आता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन, इसमें आता है बच्चे का प्रेजेंटेशन, उसका जो दिखाव है वो कैसा है, वो किस स्थिति पर है, कैसा दिख रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें मालूम होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, यानी उसकी दशा, दिशा और स्थान, ये हमें उसका मालूम है होना चाहिए, पशु का मालूम है होना चाहिए कि जो बच्चा है वो किस स्थिति पर है। तो कौन से आते हैं? एक तो प्रेजेंटेशन आता है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन। दूसरा आता है पोजीशन, पोजीशन, और तीसरा आता है पोस्चर। तो इससे क्या होता है कि हमें बच्चे का ज्ञान होता है कि जो गर्भ में जो बच्चा है वो कौन सी स्थिति पर है, कौन सी दशा में है और कौन सी जगह है। तो इन चीजों, इन तीनों से हमें मालूम होता है किसान कि जो बच्चे के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका हमें मालूम है होता है। फिर इससे क्या होता है कि हम उस बच्चे की स्थिति दशा को देखकर आराम से हम उसे बाहर की तरफ खींच सकते हैं। अगर किस स्थिति में अगर कोई डिस्टर्ब हो गया हो, उस स्थिति में इन तीनों चीजों का मालूम होना आवश्यक होता है। फिर इसके बाद में आता है, अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है इसके बाद में पॉइंट आता है कि नवजात बच्चे की जन्म के बाद देखभाल, नवजात बच्चे की, नवजात बच्चे की जन्म के बाद देखभाल। फिर आता है पॉइंट नवजात बच्चे की जन्म के बाद देखभाल, इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट श्लेष्मा झिल्ली को मुंह से हटाना, श्लेष्मा झिल्ली को मुंह से हटाना। पहला पॉइंट आता है श्लेष्मा झिल्ली को मुंह से हटाना, कब? नवजात बच्चे के जन्म के बाद में, नवजात बच्चे के जन्म के बाद में। इसमें क्या होता है कि हमें पशुपालकों को लगभग सबको मालूम होता है कि इसमें क्या होता है कि जो गर्भ में, मादा के गर्भ में जो बच्चा है
उसपे क्या होता है कि बच्चे के फेफड़े कार्य नहीं करते। किसमें? जब मादा के गर्भ में जो बच्चा है उसके फेफड़े उसके गर्भ में काम नहीं करते। किसके? बच्चे के फेफड़े काम नहीं करते। इससे बच्चे को क्या होता है? ऑक्सीजन, जो बच्चे को ऑक्सीजन भोजन और जो रक्त मिलता है, बच्चे को क्या ऑक्सीजन भोजन और रक्त जो मिलता है वो उसको मादा के द्वारा, किसके द्वारा मिलता है? मादा से प्लेसेंटा के द्वारा उसको मिलता है। किसको? नवजात बच्चे को। लेकिन इसमें होता है कि जो बच्चा होता है नवजात बच्चा उसके फेफड़े उसके मादा गर्भ में काम नहीं करते, उसके मादा गर्भ में काम नहीं करते। इसमें होता है कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, किस क्या होता है कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो जो नेवल कॉर्ड होता है जिसे नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जो प्लेसेंटा प्लेसेंटा का भाग, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है बच्चे के जन्म के साथ, फिर संपर्क टूट जाता है। ऐसे ऐसे में क्या करते हैं कि हम जल्द उस बच्चे को क्या होता है कि उसके मुंह से क्या निकालते हैं? जो म्यूकस लगा हुआ है, जो म्यूकस लगा हुआ वो हटा देते हैं। साथ ही कई बार क्या होता है कि बच्चे की सांस नहीं चल पाती, उसकी सांस नहीं चल पाती तो क्या करते हैं कि पीछे वाले जो पैर है, हुक जॉइंट है, वहां से उठाकर बच्चे को नीचे झुका के या तीन चार झटके मारते हैं, जिससे क्या होता है या तो उससे फर्क पड़े या फिर क्या होता है कि अगर उससे नहीं हो रहा, अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसको जो वक्त है उसको दबाते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है उसे सांस लेने की इच्छा होती है। तो ये सब चीजें करते हैं किसके बाद में? नवजात बच्चे के जन्म के बाद में। धन्यवाद। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले टॉपिक में फिर बात चर्चा करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.